500 और 1000 के नोट बैन कर दिए जाने के बाद आज 2 दिन बाद जब बैंक खुले तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मेरे पीछे जो आप बैंक देख रहे हैं, ऐसे शहरी बैंकों में तो कितनी लाइन लगी, कितने लोगों को तकलीफें हुई, उनका दर्द आपने सुना होगा, भारतीय मीडिया ने आपको दिखाया होगा। लेकिन मैं आपको तस्वीर बताता हूँ उन इलाकों की जहाँ तक पत्रकारों के कैमरे नहीं पहुँच पाए। हमारी तबीयत खराब है कई दिन से और हम पैसे से परेशान हैं। बैंक रुपया निकलाया है, कल बंद रही है, परसों भी बंद रही है, रुपया निकल नहीं पा रहा। अब डॉक्टर नहीं है, जब मर जाएंगे हम तो कार्रवाई के ऊपर हम करेंगे जरूर। देखिए ये देहात की क्लिनिक है, इसलिए यहाँ जो भी लोग आते हैं 1500 का नोट लेकर आते हैं तो न तो हमारे पास उन्हें छुट्टे हो पाते हैं जो उनका हम वापस करें पैसे, तो इसलिए हम तो नहीं अभी ले रहे हैं। मान दिए परी है, नहीं पैसा निकल रहा है, दवा लिए दवाइया रहे तो परी है ना। वो भी कहते हैं कि जब तुम्हारी 500 रुपये की दवाई बनेगी तो हम 500 रुपया लेंगे और तुम्हारी 200-150 की है दवाई तो 500 रुपया नहीं लेंगे। जी हमें उस दिन जो है जब इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई 1000 या 500 की नोट बंद हो रही तो हमने देखा वहाँ पर 1000 का खाली नोट पड़ा तो हमने सोचा तोड़ा ले। उसके बाद हमने सोचा कि चलो सुबह कल तुरा के खर्चा चलाएंगे, अभी एक पैसा नहीं। जी सर खाली 1000 रुपये रखे जी का दिखाओ, दाल 2 किलो लेके अभी तो कहा कि जो है पूरे 500 की ले लो सर। तो सर हम बताओ गरीब आदमी 500 की कहाँ लेके खाए पे हुए। अयोध्या जाना था, बैग हम कपड़ा पड़ा तैयारी करे पूरी और पैसे कारण रुक गए, फिर नहीं जा पाए मजबूरी सामने। हाँ और मैके जा रहे हैं दूज लेके, वो भी नहीं पहुँच पाए। सरकार ने बहुत सही काम किया, इलेक्शन आ रहा है सबका काला पैसा, देखो क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में लगना है, अपना आईडी प्रूफ देना, आईडी प्रूफ के बाद जो भी उन्होंने एक मुक्त रकम रखी है 4000 रुपये का एक्सचेंज करने के लिए, वो मैं आराम से कर थोड़ा देर देर में जाके अपना आईडी कार्ड देके चेंज कर लूँगा। ये हमारा अकाउंट मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की शाखा में हमारा अकाउंट है, तो ये जमा नहीं कर रहे हैं। हम पैसा लेके घूम रहे हैं बाहर, सैलरी मिली थी तो वही जमा करना था तो ये जमा नहीं कर रहे हैं। बहुत असर पड़ा है, बहुत लोग की शादी नहीं हो पा रही, आज शादी है और 4000 खाली एक्सचेंज हो सकते हैं। ये परेशानी लोग खुशी खुशी झेल रहे हैं, खुशी खुशी झेल रहे हैं। अच्छा मेजॉरिटी जो है और 90% खुश है, ओके जिनके पास नंबर 2 का है वो परेशानी में। बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे सब्जी लेने गए हैं तो वहाँ पे 500 के नोट नहीं चल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। 500-1000 नोट बंद होने पे कम से कम 4-5000 रुपये नुकसान हो चुका। तो भाई हरी सब्जी रुकती तो है नहीं भाई, आज लाओ कल बेचो नहीं बिकेगी तो फेंक देना पड़ेगा, तो इस वजह से कम 4-5000 रुपये नुकसान हो गया।